हेलो गाइस, मैं हूं सैनी बफर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के अदित्य डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो की तरफ से न्यूली लॉन्च किया गया ओप्पो A55। और गाइस, इस स्मार्टफोन में हमें दो वेरियंट्स देखने को मिलते हैं। पहला 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपए में और दूसरा 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 17,490 रुपए में। बस यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज का ही डिफरेंस है, बाकी सब जो फीचर्स है दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। और अभी हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। सो इस प्राइस रेंज में इस स्मार्टफोन में क्या कुछ खास दिया गया है, कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, वो सब मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, चलिए सबसे फर्स्ट में हम चेक करते हैं कि फोन के साथ बॉक्स में हमें क्या कुछ कंटेंट मिलता है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमें सिम इजेक्टर टूल मिलता है, कुछ बुकलेट्स और एक फोन कवर। और नेक्स्ट यहाँ पे 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर दिया गया है, साथ में है टाइप सी की चार्जिंग डाटा केबल। और गाइस, अब हम बात करते हैं फोन के ओवरऑल लुक्स और डिजाइन की। तो यहाँ पे आप फोन देख सकते हैं, प्लास्टिक बैग के साथ आता है और साथ ही पीछे की तरफ शाइनी सरफेस दिया गया है, जिससे जो फिंगरप्रिंट्स है स्क्रैचेस है बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। हालांकि फर्स्ट लुक में शाइनी सरफेस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे यूज करते हो तो बहुत रफ हो जाता है। और नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे जो आप देख सकते हो कैमरा का कट आउट है और ये जो रिंग्स बने हुए कैमरा के सर्कल के चारों तरफ, ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इस फोन का जो वेट है वो 193 ग्राम्स का है, ज़्यादा वेट नहीं है। साथ में 8.40 mm की थिकनेस दी गई है। वहीं बात करें फोन के साइड पोर्ट्स और बटन्स की, तो नीचे की तरफ 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, साथ में माइक्रोफोन है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स। चले फोन के राइट साइड में, तो यहाँ पे पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। फोन के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ वॉल्यूम रोकर्स हैं और ऊपर की तरफ सिम ट्रे। और यहाँ पे हम दो नैनो सिम के साथ डेडिकेटेड एसडी कार्ड को भी यूज कर पाएंगे। बाकी फोन में कहीं भी सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को नहीं मिलता। और गाइस, नेक्स्ट बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 6.51 इंचेस की एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है, साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 550 निट्स की ब्राइटनेस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइड एंगल व्यू की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड एंगल व्यू से भी कोई इशू नहीं है। साथ ही गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइड बेजल्स है काफ़ी हद तक नैरो है। अपर एरिया भी आप देख पाओगे जहाँ पे स्पीकर है। इसके अलावा जो चिन है वो एवरेज साइज की दी गई है। और गाइस, अब बात करें फोन के ऑडियो क्वालिटी की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सैंपल सुना देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप सुन सकते हैं जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं है, लेकिन क्लियर और क्रिस्प साउंड यहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा। गाइस, नेक्स्ट बात करें फोन के सॉफ्टवेयर की, तो फोन जो है कलर ओएस 11.1 पे बेस्ड है, जो कि एंड्रॉइड 11 पे ऑपरेट करता है। और जो कलर ओएस 11 है काफी हद तक आपको नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। बस यहाँ पे आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है, लेकिन आप उनको इजिली अनइंस्टॉल कर पाओगे। और वहीं बात करें फोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर दिया गया है। डे टू डे लाइफ में आप अगर फोन को यूज करते हो तो कोई भी इशू नहीं आएगा और आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी यहाँ पे कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हाई एंड गेमिंग के लिए इस फोन को परचेज करो, उसके लिए आपको इस बजट में और भी फोन देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, नेक्स्ट बात करें फोन के रैम एंड स्टोरेज की, तो यहाँ पे फोन में 6GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, दूसरा वेरियंट 6+128GB है। लेकिन गाइस, यहाँ पे आपको LPDDR4X रैम मिलती है, साथ में UFS 2.1 की स्टोरेज। चले फोन के बैटरी सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि पूरा दिन आपको काफी अच्छे से निकाल देगी। साथ ही यहाँ पे 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट है, तो बैटरी के मामले में आपको फोन में कोई इशू नहीं आने वाला। साथ ही यहाँ पे आपको सुपर पावर सेविंग मोड भी मिल जाता है, जिससे आप बैटरी काफी अच्छे से यूज कर पाओगे। और गाइस, नेक्स्ट बात करें फोन की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक दिया गया है। और अभी आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं अपना थंब फिंगरप्रिंट सेंसर पे रखता हूँ तो फोन काफी फास्ट स्पीड में और एक्यूरेटली अनलॉक होता है। बात करें फोन के फेस अनलॉक की, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं फेस की हेल्प से फोन को अनलॉक कर रहा हूँ और फोन जो है बहुत ही अच्छी स्पीड में अनलॉक हो जाता है और बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क करता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट बात करें फोन के कैमरा सेक्शन की, तो पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पे मेन कैमरा है 50 MP का, 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और 2 MP का कैमरा मैक्रो शॉट्स के लिए। फ्रंट साइड में 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है साइड पंच होल के साथ। और गाइस, नेक्स्ट अगर हम चलें फोन के कैमरा सैंपल्स की तरफ, तो यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा की फोटो देख सकते हो, काफी क्लियर है,
कलर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन हुए हैं। साथ ही ये सेकंड फ़ोटो है ब्लर इफेक्ट के साथ, इसमें भी कलर्स वगैरह अच्छे हैं, फ़ोटो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जो एजेस वगैरह हैं वो बिल्कुल आप देख सकते हो एक्यूरेट नहीं है, बाकी एवरेज आप कह सकते हो बोके इफेक्ट फ्रंट कैमरा का। और इसके अलावा ये आप बैक कैमरा की फ़ोटो देख सकते हो, इसमें भी थोड़े जो कलर कंट्रास्ट हैं वो थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, बाकी फ़ोटो काफ़ी ठीक कैप्चर हुई है। इसके अलावा बात करूं मैं ब्लर इफेक्ट के साथ, कैमरा का जो ब्लर इफेक्ट है वो काफ़ी सही है, एजेस वगैरह बिल्कुल अच्छे से कैप्चर होते हैं और कलर्स वगैरह भी ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और शॉट्स आप देख सकते हो बैक कैमरा के, क्लियरिटी कलर वगैरह बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है फ़ोन का कैमरा, चाहे वो फ्रंट की बात करें या फिर बैक की। और गाइज इसके अलावा फ़ोन में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मैन्युअली ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गूगल डायलर दिया गया है। साथ ही कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको स्लो मोशन वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ टाइम लैप्स ही यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा रैम एक्सटेंड फीचर भी यहाँ पे आपको फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। और बात करें ऐप लॉक ऐप हाइड की, तो यहाँ पे आपको फोन में ऐप लॉक ऐप हाइड प्राइवेट सेफ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। गाइज फोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा से आप 1080p तक वीडियो शूट कर सकते हो 30 fps के साथ। जब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो ये जो ओप्पो का A55 है 15,490 रुपए में इसका 4GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट आता है। सो इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन अगर देखा जाए फीचर्स के अकॉर्डिंग तो फिट नहीं होता, क्योंकि अगर आप रियलमी शाओमी से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन गाइस अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल से खरीद सकते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदिएगा, क्योंकि वहां पे आपको 2,000 रुपए का कम से कम डिस्काउंट मिल जाएगा और इससे एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, तो वहां पे इसका जो बजट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसके फीचर्स के साथ। बाकी अगर आप फोन को डे टू डे लाइफ में नॉर्मल यूजेस के लिए लेना चाहते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप गेमिंग वगैरह हैवी परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से लेना चाहते हो तो आप दूसरे स्मार्टफोन इस बजट में देख सकते हो। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो ओप्पो A55 को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।